हेलो दोस्तों, हमारा यूनिवर्स कई रहस्यमयी चीजों से भरा पड़ा है। कुछ के बारे में हम जानते हैं तो कुछ के बारे में हम नहीं जानते। इन्हीं में से एक चीज है ब्लैक होल, जिसके बारे में सभी जानना चाहते हैं। ये बेहद रहस्यमयी है, इसलिए आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। और आज मैं आपको वो हर चीज बताऊंगा जो ब्लैक होल के बारे में जानना जरूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ब्लैक होल के बारे में जानने के लिए कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव भी है, तो लास्ट तक देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो थ्रू द अनएक्सप्लेन्ड कॉस्मोस। दोस्तों, हम ब्लैक होल को यूनिवर्स की वो जगह बोल सकते हैं जहां ग्रेविटी काफी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि लाइट भी इससे बचकर बाहर नहीं निकल सकती है। वैसे ब्लैक होल का निर्माण एक मैसिव स्टार के डेथ से होता है। जब कोई बड़ा स्टार अपने इवोल्यूशन के आखिरी चरण में होता है तो इसके कोर में मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम हैवी एलिमेंट में कन्वर्ट होने लगते हैं और कोर में मौजूद थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी खत्म होने लगता है और कोर अनस्टेबल होकर ग्रेविटेशनल कोलैप्स करता है, वो भी अंदर की तरफ। स्टार का सारा मैटर का प्रेशर अंदर की तरफ आता है एक सिंगल पॉइंट पे और सारा मास का दबाव पड़ता है केवल उसी पॉइंट पे। उस पॉइंट को सिंगुलैरिटी बोलते हैं, जहां वॉल्यूम तो लगभग जीरो होता है लेकिन डेंसिटी इनफाइनाइट। दोस्तों, ब्लैक होल का पहला डिटेल डिस्क्रिप्शन तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया था। एक ब्लैक होल का सेंटर उसकी सिंगुलैरिटी होती है जो इवेंट होराइजन नाम के सरफेस से कवर होता है। इवेंट होराइजन वो जगह है जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल से बाहर आने के लिए प्रकाश की गति से भी तेज चलना होगा, जो मौजूदा फिजिक्स के अनुसार इम्पॉसिबल यानी असंभव है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट प्रकाश से तेज नहीं चल सकता है। कोई भी चीज इवेंट होराइजन से बाहर नहीं आ सकती, इसका मतलब ये है यहाँ तक लाइट भी नहीं इससे बाहर आ सकती। इवेंट होराइजन के रेडियस को स्क्वायर चाइल्ड रेडियस भी बोला जाता है। और अगर सामान्य भाषा में इस रेडियस की बात करें तो मान लीजिए कोई ब्लैक होल है जिसका मास सन से 10 गुना है, उसका इवेंट होराइजन का रेडियस मात्र 30 किलोमीटर होगा। दोस्तों, ब्लैक होल से रिलेटेड एक प्रश्न उठता है कि क्या सभी स्टार ब्लैक होल बन सकते हैं? जवाब है नहीं। वही स्टार ब्लैक होल बन सकते हैं जिनका मास हमारे सन से 3 गुना से ज्यादा हो, यानी हमारा सन भी कभी ब्लैक होल नहीं बन सकता है। ये स्टार अपने जीवन के अंत में अपने लो मास की वजह से या तो न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म करेंगे या तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाएंगे। वैसे ये ऑब्जेक्ट भी काफी ज्यादा डेंस होते हैं। दोस्तों, हम ब्लैक होल को कैसे देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न ये है, या कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कोई लाइट इमिट ही नहीं करता, यानी कोई लाइट छोड़ता ही नहीं है, तो इन्हें डायरेक्ट तो ऑब्जर्व करना इम्पॉसिबल है। लेकिन इनके विशाल ग्रेविटी की वजह से जो प्रभाव इनके करीबी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है उससे हम इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बाइनरी स्टार सिस्टम है जिसमें एक स्टार और एक ब्लैक होल है, तो स्टार का जो मैटर है वो ब्लैक होल में फ्लो करेगा जो कि काफी हीट पैदा करेगा और एक्सरे इमिट करेगा इवेंट होराइजन में जाने से पहले, और फिर अचानक से ये विलुप्त यानी गायब हो जाएगा। ऐसे फिनोमिना अगर यूनिवर्स में कहीं होता है तो हमें ये समझ में आ जाते हैं कि वहां कोई ब्लैक होल जरूर मौजूद होगा। जैसे एक एग्जांपल है बाइनरी सिस्टम साइदनेन X1, जिसकी डिस्कवरी 1971 में हुई थी साइग्नस कॉन्स्टिलेशन में। इसमें एक ब्लू सुपर जायंट स्टार था जो किसी अदृश्य वस्तु का चक्कर लगा रहा था, जिसका मास हमारे सन से लगभग 15 गुना ज्यादा था। संभवतः यह ब्लैक होल ही रहा होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो अगर आपको जरा भी इंटरेस्टिंग या इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। अभी ब्लैक होल के बारे में और कुछ काफी कुछ जानना बाकी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हर गैलेक्सी के सेंटर पे एक ब्लैक होल होता है जो उस गैलेक्सी को बांध कर रखता है और उस गैलेक्सी के सारे स्टार उस ब्लैक होल के अराउंड चक्कर लगाते हैं। ऐसा एक ब्लैक होल, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारे गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी है, जिसका नाम सजिटेरियस ए है, जिसका मास 40 लाख सूर्य से भी ज्यादा है। और दूसरी गैलेक्सी में काफी विशाल विशाल ब्लैक होल पाए गए हैं, जैसे कि एक ब्लैक होल को 2017 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने M87 गैलेक्सी के सेंटर में ढूंढा था, जो मास में 6.8 अरब यानी 6.5 बिलियन सोलर मासेस के बराबर है और महज 38 अरब किलोमीटर में फैला है। वैसे ये पहला ब्लैक होल था जिसे डायरेक्ट ऑब्जर्व किया गया, और भी ऐसे सुपर मैसिव ब्लैक होल कई गैलेक्सी के सेंटर पे ढूंढे गए हैं।
दोस्तों आप ये जान के चौंक जाएंगे कि ब्लैक होल साइज में सुपर मैसिव से लेकर एक एस्टेरॉयड जितने बड़े भी हो सकते हैं। फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग के अनुसार बिग बैंग के दौरान काफी सारे टीनी ब्लैक होल का निर्माण हुआ था, काफी ज्यादा तापमान और डेंसिटी की वजह से, लगभग 13.8 अरब साल पहले, जिन्हें मिनी ब्लैक होल बोला गया, जो बड़े ब्लैक होल की तरह ही बीतते समय के साथ हॉकिंग रेडिएशन रिलीज करके मास लूज करते गए और डिसअपीयर हो गए, या हो सकता है कि उनमें से कुछ आज भी जीवित हो जिन्हें एक दिन हम जरूर ढूंढ पाए। वैसे क्या ब्लैक होल भी कभी मरते हैं या ये अमर है? इस ब्रह्मांड में जो भी चीज मौजूद है उसका अंत होगा, वैसे ही ब्लैक होल भी एक दिन खत्म होंगे हॉकिंग रेडिएशन रिलीज करके, लेकिन इन्हें खत्म होने में कई ट्रिलियन साल लगेंगे, शायद ट्रिलियन ऑफ ईयर, जो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट, सभी चीजें, सभी स्टार, सभी प्लैनेट उनके अनुमानित उम्र से काफी ज्यादा, यानी एक समय ऐसा होगा जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं रहेगा, केवल ब्लैक होल होंगे, यानी पूरे ब्रह्मांड पे केवल ब्लैक होल का राज होगा। वैसे कई थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि ब्लैक होल के सिंगुलरिटी के आगे कोई अलग ब्रह्मांड है, लेकिन ये केवल हाइपोथेसिस है, जिसमें ये बोला जाता है कि ब्लैक होल जिस भी ऑब्जेक्ट को कंज्यूम करता है उसे एक हाइपोथेटिकल व्हाइट होल के जरिए बाहर की ओर फेंकता है, और एक स्टडी के अनुसार शायद 13.8 अरब साल पहले जो बिग बैंग हुआ था वो किसी पैरेंट यूनिवर्स के ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी में हुआ होगा। तो क्या हर ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी के बाद कोई पैरेलल यूनिवर्स होगा? ये बातें अभी तक तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अब मैं आपको अब ब्लैक होल से जुड़ी सबसे रोचक जानकारी या सबसे बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, जो ये है कि ब्लैक होल के जरिए आप टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जो फेमस फिजिसिस्ट थे, उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास ज्यादा हो वहां टाइम स्लो चलता है एज कंपेयर टू लो मास ऑब्जेक्ट, और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक होल के पास मास इनफाइनाइट होता है, तो यहां समय भी बेहद स्लो चलता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास जाता है तो दूर ऑब्जर्वर को वो ऑब्जेक्ट स्लो होता दिखाई देगा और ऑब्जर्वर का टाइम तेज चलेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास है उसका टाइम स्लो हो जाएगा, जैसा आपने इंटरस्टेलर मूवी में भी देखा होगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जो है इवेंट होराइजन, जहां ऑब्जर्वर के लिए वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, वहां मास इतना इनफाइनाइट होता है कि टाइम जैसे रुक सा जाता है। इवेंट होराइजन वो पॉइंट है जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट वहां लाखों साल भी रुका रहा तो उसके जीवन का एक सेकेंड भी नहीं बीतेगा और ऑब्जर्वर का लाखों साल बीत चुका होगा। तो अगर हम फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं जिससे हम ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास जा सके बिना डिसइंटीग्रेट हुए, तो हम शायद समय में आगे या पीछे कहीं भी जा सकते हैं, न केवल पास्ट में, हम फ्यूचर में जा सकते हैं, क्योंकि समय इवेंट होराइजन पे तब से रुका है जब से वो ब्लैक होल बना। ये तो केवल हाइपोथेसिस है, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि आज की इमेजिनेशन कल की टेक्नोलॉजी होती है। शायद हमें भविष्य में इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट की और रहस्य पता चले, शायद हम ये भी जान पाए कि सिंगुलरिटी के आगे क्या है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके मन में कोई डाउट है तो वो भी आप जरूर पूछ सकते हैं, आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। अब मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव और एक्साइटिंग वीडियो में, और जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। बाय एंड टेक केयर।